दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का स्वागत करता हूं और हमारे दर्शकों को और आप सभी को शुभकामनाएं दूरदर्शन की ओर से प्रेषित करता हूं होली के त्यौहार के लिए। ये होली आपके जीवन में खुशियां लाए, उमंग लाए, उत्साह लाए और सभी प्रकार के रंग भरे। और होली की विशद व्याख्या कई कवियों ने अनेक प्रकार से की है और एक है नज़ीर अकबराबादी। 1850 में 95 वर्ष की आयु में वे हमसे बिछड़ गए, लेकिन उन्होंने होली पर कालजयी 20 से अधिक कविताओं की रचना की। बानगी देखिए, और मैं चाहूँगा कि जब मैं ये चार पंक्तियाँ पढ़ दूँ तो ज़बरदस्त तरीके से आप तालियाँ बजाएंगे उनके सम्मान में। जब फागुन के रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, जब फागुन के रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और ढपके शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छकते हों तब देख बहारें होली की, खमशीशे जाम छलकते हों तब देख बहारें होली की, जब फागुन के रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की। ज़ोरदार तरीके से तालियां बजाइए उनके सम्मान में। आप हमारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि बियानी गर्ल्स कॉलेज के विद्यार्थी इस होली विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो मैं आरंभ कर रहा हूं आज का कार्यक्रम और एक बड़ा ही सरल सा सवाल। होली के पहले 8 दिन एक विशेष नाम से जाने जाते हैं और उन दिनों में यानी उस अवधि में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, नहीं किए जाते हैं। दो सवाल आपको यह बताना है। पहला, उसे क्या कहते हैं उस अवधि को, पहला, और फिर पूछूंगा दूसरा सवाल। बड़े ही सरल सवाल। अभी कुछ होली पर कहते हैं कि उल्टा पुल्टा भी हो जाता है, सीधे को छोड़ के उल्टा भी कर देते हैं। तो पहले फैकल्टी मेंबर्स खड़ी होइए आप। जी नमस्ते सर, इट्स होलास्टक। होलास्टक, आपका शुभ नाम? दीपिका श्रीवास्तव। दीपिका जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और देखिए, मैंने कहा ना कि उल्टी बात हो गई, होली पर दिवाली हो गई, दीपिका दीप जल गए। तालियां जोरों से बजाइए दीपिका जी के लिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है, ये उत्साह और उमंग। अब मेरा ये सवाल, होलास्टक यानी 8 दिन, ठीक है अवधि, लेकिन इस बार होलास्टक 9 दिनों के हैं, क्यों ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। होलास्टक 9 दिनों के, क्या विशेष बात? जी बोलिए आप। जी सर, क्योंकि इस बार 2 बार जन्माष्टमी हुई थी। अष्टमी, अष्टमी है जी, 2 बार अष्टमी हुई थी। कब हुई थी? अच्छा, अभी हुई थी। तो आप एकदम थोड़ा जल्दबाजी में, है ना। शुभ नाम? सपना कुमारी। देखिए, अब सपने ऐसे नहीं लेने चाहिए। सपने में हम भूल गए कि अभी जो अष्टमी थी अपने को क्या आ गया, जन्माष्टमी। और अष्टमियों की जब बात करते हैं तो महारानी कौन है? जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी कह दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यों ही जन्माष्टमी कहा तो तेजोमयी हो गई और उन्हें ज्ञात हो गया कि सही उत्तर क्या। और इन्होंने कहा आरंभ अष्टमी से होता है, अष्टमी इस बार 2 बार हो गई, 8 तारीख के साथ साथ 9 तारीख को भी होगी। क्या शुभ नाम? सपना। सपना जी, वाह क्या बात है सपना जी। होली है, होली पे तो जबरदस्त तालियां बजाइए। और दीपिका जी, और सपना जी, तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, होली का दहन आप सभी जानते हैं कि फागुन माह की पूर्णिमा यानी कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। मेरा सवाल यह है कि इस तिथि को होली जलाई जाती है, रंग कब गिराया जाता है, किस दिन, उसे क्या कहते हैं और वह कब आती है, कौन से माह में? देसी महीनों की बात कर रहा हूं। बोलिए इधर से जी, खड़ी होइए आप। चैत्र पक्ष की एकम।
चैत्र पक्ष की। अभी ये पक्ष कौन सा होगा? चैत्र माह, कृष्ण पक्ष। वाह, शुभ नाम सुरभि। वाह, क्या देखिए, क्या खुशबू फैली है चहुओं और रंगों की। वाह वाह, तालियां जोरों से बजाइए सुरभि के लिए। देखिए, होली का मतलब नृत्य, नाचना, गाना, उत्साह, उमंग। और कहते हैं मनुष्य नृत्य कब करता है, या पक्षी भी या पशु भी नृत्य कब करते हैं, जब उनका मन मयूर नाच उठता है। आपको ये बताना है कि होली का प्राचीन रूप यानी शास्त्रीय रूप, उसमें नृत्य को क्या कहते हैं, होली के शास्त्रीय यानी प्राचीनतम नृत्य रूप को किस नाम से जाना जाता है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। आपसे पूछूं? पूछ लूं? अब आपने दो ने तीन ने हाथ खड़े किए, किसको पूछूं? जजेज हैं आप। चलिए साहब, आप ही को पूछता हूं। रास नृत्य। रास नृत्य, हाथ कीजिए नीचे और बजाइए जोरों से तालियां आप। शुभ नाम मैम। शिल्पी शाह। शिल्पी शाह, शिल्पी जी के लिए ताली जोरों से बजाइए। जज हैं आपके, लीजिए लीजिए। और मुख्य रूप से रास लीला के मुख्य पात्र होते हैं कृष्ण और राधा, उनके सम्मान में जबरदस्त तालियां बजाइए, क्योंकि बिना कृष्ण के, बिना राधा के होली हो ही नहीं सकती। जोरदार तालियां बजाइए सम्मान में आप। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। पहला सवाल, कौन है इस कालजयी रुबाई के रचयिता? और अगर आप ये बता देंगे तो मैं एक दो सवाल और पूछ लूंगा। तीन चार पुरस्कार मैंने ले लिए हैं होली पर, बहुत लिबरल। इधर से हो गया, बोलिए आप। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, आपका शुभ नाम। पूजा जी। पूजा जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए एक साथ। इसी के साथ दूसरा सवाल होगा मेरा, पूजा जी, मधुशाला उसकी ये रुबाई और रचनाकार स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला की रचना के 50 वर्षों बाद एक ऐसा कालजयी होली गीत लिखा जो फिल्म आकाश पर छा गया। आपको बताना है उस गीत का नाम, फिल्म का नाम भी बता दें तो सोने पर सुहागा और जीतना है पुरस्कार। हरिवंश राय बच्चन ने, कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा है, एक हाथ खड़ा किया है जी। रंग भर से। वाह क्या बात है, तालियां बजाइए जोरों से इनके लिए। आपका शुभ नाम? अंजना चौधरी। अंजना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, तालियां जोरों से बजाइए अंजना जी के लिए। रंग बरसे, एक पुरस्कार और। अब ये रंग बरसे जो है ये फिल्म सिलसिला में था। कई बार कुछ मैं भी बता देता हूं, क्योंकि नहीं तो कितने पुरस्कार दूं कि 100 सवाल हो जाए इसमें। तो अब ये पूछना है कि इस फिल्म से हरिवंश राय जी का संबंध तो हो गया कि इसमें यह गाना लिया गया, ठीक है। दूसरा, उनके परिवारजनों से क्या संबंध है इसका, इस गीत का, इस फिल्म का, बताना है और जीतना है पुरस्कार। इधर हुआ, इधर इधर, बोलिए आप। सर, इस फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन जी, उनके हीरो अमिताभ बच्चन, उनके बेटे हैं हरिवंश राय जी बच्चन। हाँ, बच्चन के बेटे हैं। और अच्छा, मूवी की हीरो, इतना ही मालूम है आपको। जया बच्चन उनकी बहू। हाँ, तो जया बच्चन वो भी फिल्म में थी, उनकी बहू है। हाँ,
चलिए, शुभ नाम आपका? सर निधि खत्री। निधि जी वाह क्या बात है, आपने बिल्कुल निधि को सहेज करके रखा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको एक और रह गया है, अमिताभ बच्चन जी ने अभिनय किया है, उनकी पत्नी ने भी किया, जया बच्चन जी ने, गीतकार वो थे ही, अमिताभ जी ने एक काम और किया है, बता दीजिए, और जीती है पुरस्कार। इस फिल्म में उन्होंने एक काम, एक ही हाथ खड़ा किया गया है। सर आपको जी, अमिताभ बच्चन ने गाना गाया भी है, अपनी आवाज दी है इसमें। अच्छा चलिए, आज आपको चूंकि आपने, मैं उनको प्रकारांतर से पूछ के पुरस्कृत कर दूंगा, तो पुरस्कार दे दें सर संजय जी के लिए, ताले जोर से, वो कहते बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हल्का वो हल्का, थैंक यू, ये है पुरस्कार है सर। यस मैम, मैं ये मान करके चल रहा हूँ, और आप ये सोचेंगे और हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि ये मैम के प्रति जाती है, होली के अवसर पर तो लिबरल होना चाहिए। वो उत्तर दे रही थी, एक हाथ खड़ा किया था, मैंने संजय जी को पहले पूछ लिया क्योंकि वही खड़ा था। मैं तो आपका जो फलक पर जो आपका विशाल और विशद ज्ञान है उसको लाना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन ने एक और फिल्म में एक कालजयी होली गीत गाया, फिल्म का नाम बता दीजिए। पैसिन बागबान, देखिए एक मिनट दो ना, किसी की मदद की जरूरत नहीं। शुभ नाम आपका? हरनीत को, हर लिया सबको, सबके मन को, हरनीत जी के लिए तालियां जोर से बजाइए आप। क्या बात है मैम, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं चुनौती स्वीकार करना। आपको मैंने अचानक पूछ लिया, चुनौती को स्वीकारा, तालियां जोरों से, और आइए आपको रूबरू कराते हैं उस कालजयी रचना से, रंग बर से, तालियां जोरों से बजाइए और झूमिए इस गीत पर। अरे रंग बर से भीगे जुनर वाली, रंग बर से तालियां एक बार बजाइए इन सब के लिए। होली पर रंगों को लेकर के भी कई कालजयी मुहावरों की रचना की गई है। मैं दो मुहावरे आपके सामने लाना चाहूंगा, आपने पढ़े होंगे कई बार, इनका अर्थ भी आप जानते हैं और वाक्यों में प्रयोग भी किया होगा। पहला मुहावरा है खून की होली खेलना, खून की होली। चलिए कपिल जी आपसे पूछते हैं, खून की होली खेलना, हाँ साहब, इसका मतलब है हिंसक बदला लेना। हिंसक बदला, अच्छा बदला लेना जरूरी है क्या? मान लो वैसे ही कोई कोई मान लो वैसे ही थोड़ा और पर हिंसक बदला, बदला थप्पड़ भी मार दी, मान लीजिए हिंसा हो गई, बिल्कुल कोई गाली बोल दी, ये भी हिंसा हो गई, तो हिंसक बदला की जगह बदला लेना मेन प्रकार रहेगा, बदला लेना। खून की होली खेलना, खून की होली, खून की होली, हाँ बोलिए आप, खून की होली। मारना काटना, मारना काटना, स्वयं कट जाना, मर जाना, क्या नाम है? कविता पंचोली। क्या कविता कर दी आपने, तो मारना काटना, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तरीके से तालियां बजाइए। देखिए मारना काटना, घायल हो जाना, मर जाना, स्वयं मर जाना, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में खून की होली खेली। चलिए एक और, होली करना, होली करना मुहावरा है, होली करना, होली करना, होली करना अच्छा करना, होली करना अच्छा करना, यस, खुशी मनाना, खुशी मनाना जी, शुभ काम करना, शुभ काम करना जी, मस्ती करना, मस्ती करना, मस्ती करना। चलिए ये होली जो है ये मस्ती
खुश, ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, इस रेंज को छोड़ दीजिए आप। होली करना मीन्स, होली करना मीन्स, नहीं ऐसे मत बोलें साहब, ऐसे नहीं बोलें, ऐसे नहीं। हाँ ठहरिए आपको, हाँ आप बोलिए। सर किसी चीज़ को जला देना उसको होली कर देना बोलते हैं। होली कर देना मीन्स तो और शब्द बोलिए, जलाने के अलावा क्या कर देना, मतलब वो होली कर दी तो क्या हो गया, नष्ट कर देना। शुभ नाम हर्षिता। हर्षिता जी, अब हर्षिता आप हर्षाइए, अब आप हर्षाइए, मिलाइए आप हाथ दीजिए। होली करना यानी नष्ट कर देना, जोरदार तालियां बजाइए हर्षिता जी के लिए। पिता की मृत्यु के बाद बच्चों ने रुपयों की होली कर दी, नष्ट कर दी। मेरे लिए भी आप चाहें तो होली के अवसर पर ताली बजा सकते हैं। देखिए होली के त्योहार की जब बात करते हैं तो परदेश में भी पिया होते हैं या कहीं पर भी कोई व्यक्ति होता है तो कामना करता है कि वह अपने घर पहुंच जाए। राजस्थानी में इसको लेकर के एक दोहा है, आप उसे सुने और समझें और भाव बताएं क्या कहना चाहता है कवि। कहा गया है कि पांच कोसान पाड़ो रुके, कोस पांच कोस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, माइल कहते हैं, किलोमीटर कहते हैं, कोस पुराने, ठीक है। तो पांच कोसान पाड़ो रुके, दस कोसा अवसार, पांच कोसान पाड़ो रुके, दस कोसा असवार, कह गोरी में गुण नहीं, कह नहीं तीज त्योहार। अब आप वापस इसको गौर से सुनिए, पांच कोसान पाड़ो रुके, पांच कोसान पाड़ो रुके, दस कोसा असवार, कह गोरी में गुण नहीं, कह नहीं तीज त्योहार। क्या कहना चाहता है कवि? पांच कोस, पांच कोसान, दस कोसान, असवार का मतलब घुड़सवार, पाड़ो मीन्स पैदल चलने वाला, तो पांच कोसान पाड़ो रुके, दस कोसा असवार, कह गोरी में गुण नहीं, कह नहीं तीज त्योहार। मैंने क्या बैकग्राउंड दिया, हर व्यक्ति कामना करता है घर पहुंच जाए। ये पुराने जमाने की बात है जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने इफेक्टिव नहीं थे, उस संदर्भ में अब सोच करके आप बताइए क्या अर्थ हो सकता है इसका। जी जी बोले आप। सर इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि पांच कोस चलने में तो पैदल जाने वाला रुक जाता है और दस कोस तक जाने में घुड़सवार भी रुक जाता है, या तो उस औरत में गुण नहीं है कि पति उसके पास आना नहीं चाहता, या फिर तीज त्योहार नहीं है कि पति वापस घर नहीं आना चाहता। अच्छा, शुभ नाम क्या आपका? मोनिका देवल। मोनिका जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत शुभकामनाएं मोनिका जी। इसको देखिए, अर्थात ये हुआ कि यदि पांच कोस पर घर से दूरी पर कोई पैदल व्यक्ति रुक जाए या दस कोस पर घुड़सवार घोड़ा है उसके पास फिर भी रुक जाए, तो इसका तात्पर्य ये मानिए कि या तो गोरी में गुण नहीं अथवा तीज और त्योहार नहीं है, क्योंकि तीज और त्योहार खींच के ले आते हैं। तो पूरा उत्तर दीजिए, तालियां बजाइए इनके लिए आप जबरदस्त तरीके से। देखिए होली के गीतों की, कालजयी गीतों की रचना की गई है, इसको अब मैं सवाल को जोड़ रहा हूं, दो होली गीतों के बारे में मेरे हैं सवाल। ये कालजयी गीत है, एक गीत की रचना हुई 1952 में, एक की 1957 में, और ये कालजयी गीत हैं होली के। मैं इन गीतों को आपको बोल देता हूं, आपको बताना इनके फिल्मों के नाम, और उसके बाद में मैं ये चाहूंगा कि आप में से इधर जो लोग बैठे हैं आप में से कुछ उतर करके आ जाएंगे, और उसको जब मैं बजवाऊंगा तो आप उस पर डांस करेंगे, और हमारे जो जजेस साहिबान हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उसमें से दो सर्वश्रेष्ठ आप छांटें, हम उनको पुरस्कृत करेंगे। तो पहला सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं दो गीत आपको बताने हैं उनकी फिल्मों के नाम, ठीक है। मैंने गीत का पहले सुनिए आप, खेलो रंग हमारे संग, खेलो रंग हमारे संग, आपको फिल्म का नाम बताना है, और दूसरा होली आई रे कन्हाई, होली आई रे कन्हाई। कालजयी गीत पहले वाला पुराना 1952, यस बोलिए आप। होली आई रे कन्हाई।
संग आन मूवी का है। आन मूवी का है, बस यही रुकिए, बाकी मैं पूछ लूंगा। शुभ नाम आपका? शीतल सोनी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन शीतल जी थोड़ा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अतिरेक में आप जानती हैं। ओके यस, बोलिए आप दूसरा। होली, मदर इंडिया, क्या गीत था? हाँ हाँ हाँ, क्या गीत था? होली सन, होली, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, सब बोल रहे हैं घबराहट, होली आई रे का नहीं, ठीक है ना? तो क्या हुआ, आपने सिर्फ वो सोचा, लेकिन मैं ये भी पूछ सकता हूँ। शुभ नाम? सुप्रिया। सुप्रिया जी बिल्कुल बधाई आपको, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, होली आई रे कन्हाई, मदर इंडिया और खेलो रंग हमारे संग, फिल्म आन। अब मैं पहले आमंत्रित कर रहा हूं, जल्दी से आप में से आ जाए 5-7 लोग जो इसको परफॉर्म करेंगे या डांस करेंगे, जल्दी आइए आप। और आइए आपको रूबरू कराते हैं होली आई रे कन्हाई और रंग बर्स से। टॉप टू पर्सन, सारे लोग यहाँ इधर खड़े हो जाइए एक लाइन में, आड़ी लाइन में। और जजेस साहिबान, आप हमें बताइए दो पुरस्कार। सुरभि कुशवाहा, सुरभि जी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से। हाँ साहब, नंबर दो आइए आइए, आपका शुभ नाम? मोना। मोना जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, तालियां जोरों से बजाइए। और जजेस साहिबान को होली का अवसर है, इसलिए लिबरल होते हुए अगर आपको लगता है कोई थर्ड और है जिसको, अगर आपको ये लो, आ जाइए अब, आ जाइए, आपने पुरस्कार जीता भी है। चलिए डिफरेंट कलर दिस टाइम। शुभ नाम आपका? अंजना चौधरी। अंजना जी बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, तालियां जोरों से बजाइए सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जजेस साहिबान को। अब अगला सवाल, होली पर कई लोग होते हैं जो मूर्ख होते हैं और वो अपने आनंद के लिए औरों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं गुब्बारों में रंग भर करके, कोई मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे जा रहा है या पैदल जा रहा है या साइकिल पे जा रहा है, उसको फेंकते हैं और वो एक्सीडेंट्स उनका हो जाता है, मिसाइल्स फेंकते हैं, कीचड़ वगैरह इस तरह की चीज़ें फेंकते हैं, पत्थर भी फेंकते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए एक धारा के तहत रोक लगाई जाती है, आपको ये बताना है वो धारा कौन सी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, सीआरपीसी की धारा, धारा बताइए। बहुत बार सुनते हैं उस धारा का नाम, सभी को याद होना चाहिए, धारा बताइए जिसके तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रोक लगाते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मीन्स सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो बताइए और जीतिए पुरस्कार। आपको पूछूं साहब, खड़ी हुई है आप, फायदा भी है नुकसान भी, बोली खड़ी हुई है आप? सर 144 धारा 144 आपके एरिया में लगी कभी? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि वहाँ पर ऐसे लोग लगते हों जिनके लिए और लोग आ जाते हैं, प्रदर्शन कर लेते हैं, कोई कुछ कर रहे हों, तो आप ऐसे बात दीपिका जी, ये जाती है आपकी। शुभ नाम? सृष्टि खंडेलवाल। सृष्टि जी ये देखिए, सृष्टि रचना, ये रचयिता हैं, आप दीपक हैं, प्रकाश हैं, आलोक हैं, तेज हैं, तालियां दोनों के लिए बजाइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपके लिए, बहुत बहुत बधाई। क्या बात है, दीपिका, सी आर पी सी 73 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी धारा 144 के तहत रोक लगाई जाती है। और आपने देखा होगा जब शांति भंग होने का अंदेशा होता है किसी भी प्रकार का,
तब इस धारा के तहत रोक लगाई जाती है कि 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते इत्यादि इत्यादि आपने कई बार सुना होगा। तालियां बजाइए दोनों के लिए आप। अब देखिए, गाली देना बुरा माना जाता है, झगड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आदमी क्या है प्रेम भाव या उसके विपरीत शब्दों पर निर्भर करता है। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो प्रेम भाव और प्रेम भाव, और नहीं तो, तो कहते हैं गाली देते हैं तो क्या हो जाता है, झगड़ा होता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा हमारे सामाजिक परिवेश में शुभ अवसरों पर, शादियों के अवसर पर गाली का गायन होता है, गालियां गाई जाती है। तो फिर ये गाली का गायन क्यों होता है और गाली देने पर झगड़ा क्यों हो जाता है, इसका कारण बताइए। सीधा सा सरल सवाल है, इसकी मूल भावना को गाली देना, इसमें पीछे मंशा गाली देना और गाल गाना, गालें गाई जाती है शादियों में सगे संबंधियों के लिए, तो गाल गाना परमिसिबल एप्रिशिएटेड, और कहते हैं कि अब लोग भूल गए, तो ऐसा क्यों है, उसमें क्या विशेष बात है, प्रश्न ये है। और गाली देने के पीछे क्या गड़बड़ हो जाती है, क्यों हो जाती है, मूल बात क्या है वो बताइए और जीतिए पुरस्कार। हाँ साहब, जिसने पहले पुरस्कार, मैं आऊँगा सब अभी आपके, हाँ अब आपने किया हाथ खड़ा, अब कोई वो हाँ साहब इधर इधर, जिन्होंने नहीं जीता है उनका, हाँ आप बोलिए आप। सर जब भी शादी होती है और ये दुल्हन वापस अपने घर पे आती है तो जो दूल्हे के घर वाले होते हैं उन लोगों के साथ मजाक करने के लिए ये गाल गाए जाती है। हाँ तो मजाक करने के लिए, मुद्दे की बात क्या हो, तो संबंधी तो मैंने कह ही दिया, सगे संबंधी विवाह के अवसर पर वगैरह, तो मजे करने के लिए यानी प्रेम भाव बढ़ाने के लिए। अब उसका सीधा उत्तर आ गया, और जो गाली देते हैं उसमें क्या मूल भावना क्या होती है, उसके अंदर मूल भावना ये होती है कि हम दूसरों को बुरा भला कहते हैं, बुरा भला कहते हैं। वाह वाह, शुभ नाम प्रीति शर्मा। वाह प्रीति जी, क्या बात है, वाह प्रीत, वाह प्रीति जी, प्रीत प्रीत कीजिए, ताली बजाइए जोरों से जोरों से। देखिए अब इन्होंने कहा है तो मैं 4 पंक्तियां, आपका नाम है प्रीति इसलिए, और प्रश्न संयोग से, चांस की बात, देखिए लाइफ इज अ मैटर ऑफ चांस, और जीवन में इतने अनेक संयोग घटते हैं कि हम चाहते क्या है, प्लान क्या करते हैं, एफर्ट्स कहाँ करते हैं और राह किधर की पकड़ लेते हैं, और दुनिया में वास्तविकता क्या है हम उसको विस्मृत कर जाते हैं। 4 पंक्तियां देखिए, प्रीत की बात है इसलिए याद आई, कि श्रृंग नहीं हिमगिरी नीचे से गला करता है, श्रृंग कहते हैं पार की चोटी को, लोग कहते हैं चोटी घट गई, चोटी मतलब गल रही है, नो, जो पहाड़ है श्रृंग वो नीचे से गला करता है, तो श्रृंग नहीं हिमगिरी नीचे से गला करता है, दीप की मिट्टी नहीं तेल जला करता, लोग कहते दीपक जल रहा है, तो दीप की मिट्टी नहीं तेल जला करता है, ए प्रीत से मुंह मोड़ कर रूप पे मरने वालों, ए प्रीत से मुंह मोड़ कर रूप पे मरने वालों, प्रीत नहीं ढलती रूप ढला करता है, प्रीत नहीं ढलती रूप ढला करता है। तालियां जोरों से बजाइए प्रीति के लिए आप। और एक पुरस्कार मैं और दे दूंगा अगर कोई, देखिए उसमें ईर्ष्या की भावना है, वैमनस्य की भावना है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, दिल दुखाने की बात है गाली देना, और यहां पर प्रेम भाव बढ़ाना, सगे संबंधी, बस इतनी सी बात है। आप में से कोई गाल एक आध पंक्ति भी गुनगुना दे तो एक पुरस्कार है, कोई गाल गाली उसके समकक्ष, संजय जी अब आप सोच रहे हैं कि किसके लिए गाऊं, वो मत सोचिए हाँ गा लीजिए। कोई एनीबॉडी, हाँ आप गाइए, खड़ी होइए, खड़ी होइए आराम से। सर शादी का सॉन्ग है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, गाइए आप गाइए, हमारी फोक लैंग्वेज। अरे आप अपनी फोक लैंग्वेज में गाइए, सभी होली में सभी समझते हैं जी। बनड़ी ऊंचू भार थर बाल लटके रे, कि बनड़ा ऊंचू भार थर बाल लटके रे। वाह वाह, तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए। मैं गाल की आपको 2 पंक्तियां गुनगुना के बताता हूँ। काजल भरियो कूपलो, काजल भरियो कूपलो, ओ पड़ियो पिलंगरे हेट कोरो, काजलियो ओ पड़ियो पिलंगरे हेट कोरो, काजलियो नैणा में सूरम डाल
ले कोरो काजलियो नैना में काजल डाल कोरो काजलियो काजल भरियो कूपलो काजल भरियो कूपलो ओ पढ़ियो पिलंगरे हेट कोरो काजलियो। तालियां जोर से बजाइए आप। देखिए शास्त्रीय संगीत में, मैं शास्त्रीय संगीत की बात कर रहा हूँ, लोक संगीत की नहीं, शास्त्रीय संगीत में होरी गायन को धमार कहते हैं। उसका जो वर्णन होता है, उसकी जो शैली है, वो है धमार शैली। आपको ये बताना है कि लोक संगीत में उस गायन को क्या कहते हैं जो चंग और ढप आदि पर गाई जाती है। बिल्कुल मिलता जुलता नाम है। आपको मिला पुरस्कार? नहीं मिला? चली खड़ी होइए आप। जी धमाल। धमाल, तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। शुभ नाम आपका? अंकिता। अंकिता। अंकिता, तालियां जोरों से बजनी चाहिए, जोरों से बजनी चाहिए, तालियां जोरों से। धमाल, चलिए एक सवाल इसी पर जुड़ा हुआ, ये जो धमालें गाई जाती है आम तौर पर इनके विषय क्या होते हैं? शेखावाटी की धमालें सभी जगह विश्व प्रसिद्ध है, इनके विषय आम तौर पर क्या होते हैं ये आपको बताना है और जीतना पुरस्कार। किन पर आधारित होती, विषय बताना आपको। जी बरसाना के ऊपर। नहीं बरसाना नहीं, बरसाना नहीं। यस पहले आपको विशेष रूप से ना एक दूसरे को छेड़ने के लिए, और उसके लिए सास ससुर और नंदो देवर इन सबको इंक्लूड करके गाया जाता है। शुभ नाम इसको, इसको श्रृंगारिक। हाँ शुभ नाम। कोमल। कोमल जी वाह क्या बात है, क्या बात है, इसको कहे उत्तर होना चाहिए था श्रृंगारिक। तालियां जोरों से बजाइए। देखिए राजस्थान में एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं ईलो जी। ईलो जी ये एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं, जोधपुर बीकानेर वेस्टर्न राजस्थान में ये इनकी मूर्तियां पाई जाती है, जो अब पुराने परिवेश में जो गांव हैं कस्बे हैं उनके चौराहों पर इनकी मूर्ति होती है। आपको ये बताना है और इनके बारे में थोड़ी जानकारी और दे दूं कि जो प्राचीन परंपरा रही है उसमें निसंतान स्त्रियां जो मान्यता है उसके अनुरूप मुंह अंधेरे जाकर के उनकी पूजा करती हैं ताकि उन्हें संतान प्राप्ति हो जाए, ये मान्यता है। आपको ये बताना है ईलो जी का होलिका से या होली से क्या संबंध है? लोक देवता ईलो जी का होलिका या होली से क्या संबंध है? थिंक इट ओवर। थोड़ा कोई गुनगुना रहा, कोई बोल रहा है, बोलिए, हिम्मत रखिए, संकोच मत करिए। सर आप तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, रोज ये लोग कहते हैं अच्छा अच्छा पति होंगे और पति, बस आपको पहले तो पुरस्कार दे दूं। अच्छा होंगे, आपने कहा होंगे कर करके आपने थोड़ा जान डाल दी बात में, क्योंकि हुए नहीं मतलब होंगे वो होने वाले थे या चलिए आपने। देखिए ईलो जी की एंगेजमेंट हुई थी होलिका से, और प्रहलाद को गोद में लेकर के जब वो बैठी, वो प्रसंग आपको मालूम है, और वो होलिका जल गई, वो बारात लेकर के आ रहे थे ईलो जी, और जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिनसे उनकी शादी होने वाली थी वो जल गई। बड़ा विलाप किया और उस राख में वो लौटे, लौटने लगे, और उसी कारण से धुलंडी यानी धूल में लौटे तो धुलंडी मनाई जाती है। धूल और रंग और ये कीचड़ की जो परंपरा है ये उस समय से है। तो उनके होने वाले पति तो होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। और आइए इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और, कि जहां पर होलिका का दहन हुआ, जहां पर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया, उस जगह का नाम क्या है, किस नाम से उसे जाना जाता है? बताइए और जीतिए पुरस्कार।
कपिल साहब मैं इसलिए कपिल साहब से इसलिए कि कपिल साहब कोरे कोरे हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त जी नरसिंहपुरी या फिर प्रहलादपुरी अरे वाह दोनों जानते हैं आप पुरस्कार एक ही मिलेगा दोनों उत्तर सही है वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है लाइए 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 तालियां बजाइए प्रोफेसर साहब के लिए जबरदस्त तरीके से आप तो साहब फिर ऐसा है कि अब जब इतनी हंसी की बात हो गई तो डांस तो बनता ही है और देखिए हिंदुस्तान में फिल्मों ने जो हिंदी फिल्में हैं उन्होंने देश में एकता का जो परचम लहराया है यानी पूरे हिंदुस्तान को अपने गानों से फिल्म इंडस्ट्री ने जोड़ दिया है और आज आवश्यकता किस बात की है होली खेलते समय प्रेम भाव की एक कैसे हों भारत मजबूत भारत तो आइए चंद फिल्मी गीत और इधर से आमंत्रित करता हूं कुछ आप आइए कुछ बच्चियां और डांस कीजिए जबरदस्त तरीके से और जल्दी आ जाइए आप और जज साहिबान एक बार फिर मशक्कत कीजिए आप आज न छोड़ेंगे बस हम चोली खेलेंगे हम होली खेलेंगे हम होली चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली खेलेंगे हम होली होली जय साहिबान आप फरमाएं कौन दो पुरस्कार आप आइए इधर आइए शुभ नाम आपका शुभांगी शुभांगी तालियां जोरों से बजाइए शुभांगी के लिए आप थैंक यू सेकंड आप आइए शुभ नाम आपका कनिष्का कनिष्का तालियां जोरों से बजाइए कनिष्का के लिए और पिछली बार की परंपरा को रखते हुए तीसरा एक पुरस्कार जिसे आप ठीक समझें बताएं वाइट तो आपका पुरस्कार जीता है आपने शायद पहले लीजिए तालियां आपका शुभ नाम निधि निधि तालियां जोरों से बजाइए तीनों के लिए आप तो आगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू जोरदार तरीके से तालियां बजाइए इनके लिए आप और दो आप ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू कई सिरफिरे ऐसे होते हैं मनचले ऐसे होते हैं मूर्ख लोग ऐसे होते हैं कुंठित लोग ऐसे होते हैं क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसे व्यक्तित्व छुपाए नहीं छुपता और होली के अवसर पर अपनी ऐसी कुंठाओं का प्रकटीकरण करते हैं उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया और जिसमें महिलाओं के प्रति कोई आकृति बना दी कोई फपनियाँ कस दी कुछ लेखन कर दिया या कुछ इस प्रकार की हरकत कर दी उसको रोकने के लिए क्या कानून बनाया गया है आपको बताना है उस कानून का नाम सार्वजनिक स्थानों पर कुछ लिख देंगे चिट्ठी लिख देंगे लेख लिख देंगे इस प्रकार की कुछ चीज़ें करते हैं आपको बताना है और जीतना है पुरस्कार एक्ट का नाम आपको पूछूं कानून के बारे में अरे आप तो कला धर्मी हैं चलिए खड़ी होइए आप हाँ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट हाँ तो जल्दबाजी में उमंग में उत्साह में ये कानून का मामला है शुभ नाम मोनिका मोनिका जी क्या बात है बिल्कुल सही उत्तर दिया बिल्कुल सही उत्तर दिया और ये
ये जानकारी हम सभी को होनी चाहिए. द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट 1986. और मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, अब बारी है आपकी, आप भी नृत्य कीजिए कुछ फिल्मी गीतों पर. जल्दी आ जाइए आप, 5-7 लोग उतर करके जल्दी आ जाइए. अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना. गालों से ये गाल लगा के, नैनों से ये नैन मिला के. बताएं नंबर 1-2. पहले शुभ नाम. दीक्षा. दीक्षा जी, आप एक बार किसी की मदद करते हुए पकड़ी गई थी परीक्षा में शायद, है ना? वो अतिरेक में हो जाता है कि ये गलत बोल रही है. कोई बात नहीं, सहेलियां ऐसी होनी चाहिए, कहाँ मिलती है आजकल. तालियां बजाइए आपके लिए. हाँ जी, नंबर 2. रेड ब्लैक. शुभ नाम आपका. पूजा. पूजा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. और एक और बता दीजिए सब, तीसरा पुरस्कार. शुभ नाम. अंतरा जी, तालियां सबके लिए बजाइए जोरों से. आप तालियां जबरदस्त तरीके से बजाइए, आप जोरदार तरीके से. कौन व्यक्ति ताली नहीं बजा रहा है? देखिए, इतनी बड़ी संख्या में आप पधारते हैं, इतना इंतजार करते हैं, इतना समय देते हैं, और उस दूरदर्शन को आप अपना घर समझते हैं. और दूरदर्शन उसी आत्मीयता से इन कार्यक्रमों का आयोजन करता है, और वो ये मान करके चलता है कि आप जो पधार रहे हैं वह दूरदर्शन परिवार, जो कि सारे हिंदुस्तान का परिवार है, उसके सदस्य हैं. हम कामना करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए खुशियां लाए, आपके परिजनों के लिए खुशियां लाए, और आपकी जितनी भी कामनाएं जो अधूरी रह गई हैं वो पूरी हों, आपके जीवन में रंग भरे, सभी लोगों के जीवन में रंग भरे. इसी कामना के साथ मैं अपेक्षा करूंगा आप तालियां जोरों से बजाएं, और आपकी सहपाठी ने जो तैयार बैठी हैं वो प्रस्तुत करेंगी एक नृत्य, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप. और देश के लिए कामना कीजिए कि सभी लोग प्रेम भाव में, प्रेम में आखंड डूब जाएं, यही उद्देश्य है. हमें प्रेरणा लेनी चाहिए होली के पर्व से. तालियां जोर से बजाइए एक बार. कयो रे मंगे तर से कड़िया वालो रे नवाब, कयो रे मंगे तर से देखिए.
देखिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम दूरदर्शन द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पधारते हैं और विशेष रूप से होली का पर्व जिस पर एक दूसरे पर आप रंग डाल रहे हैं, मैं निवेदन आपसे ये करना चाहूँगा और सारे लोगों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि इस प्रकार के जो त्यौहार हैं उनका मनाने का एक ही प्रयोजन है कि इसके पीछे मूल जो भावना है उसको हम पल्लवित करें, पोषित करें, प्रचारित करें और लोगों को प्रेरणा दें और वो संभव है अपने व्यवहार के कारण। तो आइए हम संकल्पित होते हैं कि पूरे देश में और विश्व में प्रेम भाव को बढ़ाएंगे, छोटी छोटी बातों पर जो मनोमालिन्य हो जाता है उसे समाप्त करेंगे और जितने भी हमारे झगड़े हैं आपस में आज ही तय कर लीजिए, होली के दिन जाइए और उन लोगों से विशेष रूप से गले मिलिए जिससे किसी भी प्रकार की खटास है या थोड़ी सी भी दुश्मनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे और आज की जो युवा पीढ़ी है उससे आपसे अनुरोध कि हमारे जो संस्कार हैं और हमारे जो तीज त्यौहार हैं उसमें उसी उत्साह और उमंग से भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। होली है।